नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी गुरु जी के अंदर। दोस्तों, ETT 894 की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई को अभी एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी कैंडिडेटों को कोई भी स्टेशन चॉइस या आगे की कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। दोस्तों, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों कि अगला कदम क्या होगा डिपार्टमेंट के द्वारा इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अभी जिमनी चोरों को भी दोस्तों ऐलान किया जा चुका है और सरकार शायद उसको एक मुद्दा बनाकर ETT की अभी जो स्टेशन चॉइस है उसको टालने की कोशिश दोस्तों कर रही है। तो यहाँ पे जितनी भी यूनियन है ETT 994 से रिलेटेड, उनको करना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट से बात करें इस रिगार्डिंग और जल्दी से जल्दी जो स्टेशन अलॉटमेंट वाला पोर्टल है वो ओपन करवाया डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों आप लोगों को खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा इस भर्ती को भी लेट दोस्तों करना चाहती है, क्योंकि जितना जल्दी आप लोगों का स्टेशन चॉइस या अलॉटमेंट वगैरह लेटर आएंगे दोस्तों, तो उसके बाद ही जो नेक्स्ट प्रोसेस है सेकंड लिस्ट की वो जारी की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे जितनी टाइम आप लोगों को स्टेशन चॉइस नहीं होती, इतनी टाइम लग जो सेकेंड लिस्ट है वो भी यहाँ पर जारी नहीं की जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर यूनियन का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है इस भर्ती के रिगार्डिंग कि कितनी जल्दी आप लोगों को स्टेशन का जो पोर्टल है वो ओपन होता है उसके रिगार्डिंग। तो देखते हैं दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है या डिपार्टमेंट की तरफ से या यूनियन की तरफ से आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।